और जी, क्या हाल चाल है? शादी कर ली और बुलाया भी नहीं। क्या सोच रही थी, शादी तोड़वा दूंगा मैं। प्रीत, कौन है ये? ओहो, पति जी भी घर पे हैं आज। आज इनसे बात ही कर ली जाए। अरे बैठ जाओ जी, अपने घर समझो। प्रीत, कौन है ये? ये मेरा दोस्त है। दोस्त? उरा तेरी, यू क्या हो गया दोस्त? एक्स बॉयफ्रेंड हूँ जी इसका, बताया नहीं इसने आपको? है एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। देख, क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है प्रीत लाइफ में। भाई साहब मेरी बात सुनो, थारे बड़े भाई जैसा हूँ मैं, क्लियरिटी देने आया हूँ आपको। यहाँ पे गर्लफ्रेंड रह चुकी है मेरी, 3 साल रिलेशनशिप रहा है हमारा, और पूरे देश में कहाँ कहाँ नहीं घूमे हम। है बताया नहीं तूने इन्हें? देश का कोई कोना नहीं छोड़ा जी हमने। मनाली ले लो, गोवा ले लो, मुंबई ले लो, कहाँ कहाँ नहीं घूमे हम। 8-8, 10-10 घंटे तो रूम से बाहर नहीं निकलते थे। रात क्या, दिन क्या, कुछ पता ही नहीं लगता था जी हमें। प्रीत से पूछ लो, इसके पास तो पूरे दिन रात का हिसाब है। प्रीत बता इन्हें। प्लीज बस करो अभिषेक, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? अरे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, करने तो दे मेरी जान। और भाई साहब, आपने इससे शादी कर ली और आपने इसके पास्ट के बारे में नहीं पूछा, कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं, कहाँ कहाँ गई हैं, कुछ पूछा ही नहीं, बिना पूछे शादी कर ली। हद है भाई साहब आपसे भी, इतनी जल्दी इतनी शादी करने की, एक बार इससे पूछ तो लेते। जी नहीं, मुझे इनके पास से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ये मेरी बीवी है तो अभी ये मेरे साथ जैसी हैं मैं खुश हूँ इनके साथ। और रही बात इनकी इज्जत की, तो अब वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं इनके पास्ट को लेकर इन्हें अब जज नहीं कर सकता। क्या बात है प्रीत, तेरा पति तो बहुत सीधा है यार। तुझे भी तो ऐसे पति चाहिए था ना प्रीत, जो तेरे इशारों पे नाच सके, है ना? अब देख मिल भी गया, इसको तेरे पास से कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तुझे याद है प्रीत, जब तेरा मेरा रिलेशन शुरू हुआ था तो भाई साहब पूरी कुंडली निकलवा ली थी मैंने इसकी, किसके साथ घूमती थी, कौन बॉयफ्रेंड था, कहाँ जाती थी, सब कुछ पता लगा लिया था मैंने। पूरी हिस्ट्री थी इसके मेरे पास, और अभी भी है, बोलो तो दिखाऊं। और आप, हद है जी आपसे भी, पूरे साधु संत होके बैठे हो, कुछ पूछा ही नहीं इससे। इसको तो मैंने पूरी तरह खोल दिया था। क्यों भाई, 6 महीने हो गए ना तेरी शादी को और अभी तक तूने इसे कुछ बताया नहीं। हद है भाई, सारे कांड करके भी सती सावित्री बन के बैठी है। देखो मेरे और विकास जी के बीच है। क्या कही तूने, विकास जी? अबे विकास जी करके क्यों बोल रही है तू? मेरे से तो आज तक तुम करके नहीं बोला तूने। इनसे सीधा विकास जी, मेरे से तो कभी नहीं बोला तू ना अभिषेक जी। मेरे से तो सीधा ये बोलती थी, अभिषेक ये कर दे वो कर दे। क्या बात है, बड़ी इज्जत ली और दी जा रही है, है? बस करो अभिषेक, बहुत हो गया तुम्हारा, अब निकलो यहाँ से। अरे क्यों चला जाऊं, क्या दिक्कत है तेरे को, बता मुझे। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, आपको कोई दिक्कत है मेरे यहाँ रहने से? अरे बातचीत ही तो कर रहे हैं हम। जी नहीं, मुझे आपके यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी को दिक्कत है। अगर मेरी पत्नी को आपसे दिक्कत है तो मुझे भी आपसे दिक्कत है। और रही बात प्यार की, तो कौन से प्यार की बात कर रहे हो आप? ये कोई प्यार है आपका? इसको प्यार नहीं कहते अभिषेक, साफ दिख रहा है कि तुम इसे यहाँ जलील करने आए हो, बदनाम करने आए हो इसको, ताकि हम दोनों का रिश्ता टूट सके और मैं इसे घर से निकाल दूँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ। और बेशक शादी के पहले इन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन शादी के बाद ये मेरे लिए लॉयल हैं, मैं इनकी रेस्पेक्ट करता हूँ और ये मेरी। और जो तुम चाह रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जितना प्यार करते हैं उतनी हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। और रही आपकी बात, तो आप जा सकते हो, क्योंकि मुझे दिख गया कि इसने आपको क्यों छोड़ा था, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। क्योंकि जिस लड़की को तुम प्यार करते हो उसकी जब रेस्पेक्ट ही नहीं कर सकते, तो भला वो लड़की तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? और अपनी बातों से हमारे बीच तो तुम फूट डलवा नहीं सकते, इसीलिए प्लीज आप जा सकते हैं। बहुत टाइम ले लिया आपने हमारा, यू कैन लीव नाउ। सो मिस्टर अभिषेक, सुन लिया आपने, अगर आपको और बेइज्जती करवानी है या और बेइज्जती सुननी है अपनी, तो बैठो आराम से। अगर अब एक और शब्द अपने मुंह से निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम जानना चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं हूं और तुम मेरे एक्स क्यों? जस्ट बिकॉज तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करना आता ही नहीं है, तुम्हें पता ही है कि उनकी इज्जत उनका सम्मान कैसे करते हैं। कभी तुमने मेरी इज्जत करी है? कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? नहीं ना, इसीलिए मैं आज विकास जी के साथ हूँ। और तुम जानना चाहते हो ना कि मैं विकास जी के साथ क्यों हूँ? क्योंकि विकास जी को मेरी इज्जत करना आती है,
लड़कियों की इज्जत करना आती है उन्हें। और तो और हम दोनों के बीच में जितना प्यार है उतनी एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट है, जो तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप में कभी भी नहीं थी। और एक बात तुम्हें बता दूं, अगर कभी भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बने और कोई भी आने वाली तुम्हारी वाइफ भी क्यों ना हो, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करना, नहीं तो कोई भी लड़की तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेगी, समझे तुम? अब बहुत हो गया तुम्हारा और बहुत सुन ली हमने, अब चुपचाप निकलो मेरे घर से। I said get out from here।